कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। कि जो हमारे मासूम बच्चे HMT में, हमें अभी पता भी नहीं है कहाँ है वो HMT में, जबकि वो मकान मालिक, उसका भी इंटरव्यू आया है, उसका भी बयान आया है कि दो दिन पहले वहाँ आर्मी कुछ सर्च कर रही थी उस मकान में। अगर वो दो दिन पहले जानते थे कि यहाँ कुछ होने वाला है, एक तो अपने घर में 28 और 29 रात तो ये अपने घर में थे, क्या ये उनको छापा मार कर गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? बहरहाल हमें ये तो सारे दुनिया को पता है कि अगर ये अकल वाले हैं, सबसे ज्यादा अकल रखते हैं, कम से कम ये भी सोचे कि लोग भी थोड़ा बहुत अकल रखते हैं, वो भी सोच सकते हैं कि ये फेक इनकाउंटर है या और कुछ है, कोई और प्लानिंग है इनकी यहाँ कश्मीर में नस्ल कुशी करने की, ताकि ये हमारे बच्चों को खत्म करे और अपने बच्चों को यहाँ बसाए। यही मकसद, यही प्रोग्राम है इनका यहाँ, क्योंकि यहाँ के पता, वो शायद हरियाणा के वजीर आला ने साफ बताया अपने लोगों को, पता है 370 टूटने का क्या मतलब है, आपको क्या फायदा है इसमें? इसमें आपको ये फायदा है कि आपको कश्मीर तो जन्नत है, वहाँ के हूर और परियां आपको मिलेंगे। हमारी डिमांड बस इतनी है, हम लाश वो बेगुनाह लाश है, उसको आपने मरने के बाद भी, ये कौन सी अकल है आपकी कि मरने के बाद वो क्या करेगा? उसको आपने अपने मरने के बाद कैद रखा, एक कातिल को आप फांसी देते हैं, लेकिन फांसी के बाद अपने वारसों को वापस देते हो, मुजरिम को उम्र कैद सजा देते हो, 14-15 साल के बाद उसको वापस देते हो, उसका उम्र कैद का सजा भी खत्म होता है। ये तो मौसम है, इसका कोई खता भी नहीं है, और खता होने के बावजूद आपने इसको मरने के बाद भी अपने जेल खाने में कितने साल, तो ये भी बताओ कम से कम कितने इसकी सजा कितने सालों की है? बस ये इतना ही मुझे कहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।